वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल देख ही लिया है, आज की वीडियो में मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाली हूं ममा अर्थ की तरफ से राइस जेल फेस मॉइस्चराइजर विद राइस वाटर एंड नायासिनामाइड का रिव्यू। सो गाइस ममा अर्थ ने इसे रिसेंटली ही लॉन्च किया है और आई थिंक राइस वाटर रेंज में उन्होंने एक फेस वॉश, एक डे क्रीम और आई थिंक एक नाइट क्रीम भी लॉन्च की है। बट मुझे एक मॉइस्चराइजर की जरूरत थी, इसीलिए मैंने मॉइस्चराइजर को परचेज किया है। इसीलिए ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने इसे खुद अपने ही पैसों से परचेज किया है। ऑलराइट गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, व्हाइट और बेज कलर की इसकी आउटर पैकेजिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है 599 फॉर 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। ऑल्सो गाइस मुझे वहाँ पर एक कोड मिल गया था जिसे कि आप भी यूज़ कर सकते हो जो कि है ममा20। उसे अप्लाई करने के बाद आपको इस पर फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा जो कि मुझे भी मिला था। और अगर इसकी शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 18 मंथ्स की शेल्फ लाइफ मिल जाती है। इसके साथ साथ गाइस इसकी जितनी भी डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो भी आपको इसकी आउटर पैकेजिंग पर और इवन की जो टब है उस पर दोनों पर मिल जाती है। आप वहां से इसकी इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर इसके स्टार इंग्रेडिएंट्स यानी कि हीरो इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर है राइस वाटर जो आपकी स्किन को मॉइश्चर प्रोवाइड करता है, नायासिनामाइड जो आपकी स्किन के अनइवन टेक्सचर को इवन करता है, इसके अंदर है ब्लैक ओट्स जिसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपकी स्किन को काम करता है, सूथ करता है। ऑल्सो इसके अंदर है सोयाबीन एक्सट्रैक्ट जो कि एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के साथ आते हैं। ये आपकी स्किन में एजिंग और फ्री रेडिकल्स के डैमेज को क्योर करता है, उसके साथ साथ स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। सो गाइस एक्चुअल प्रोडक्ट की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का व्हाइट कलर का टब आपको मिलता है और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको 100 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है और इसे आप जब ओपन करते हो तो आपको एक प्रोटेक्टिव लिड भी मिलती है इसके साथ जो कि काफी टाइट है, बहुत ही ईजी ओपन नहीं होती, आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ से इसे जब आप ओपन करते हो तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर है। इस मॉइस्चराइजर के टेक्सचर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी और इसका जो कलर है थोड़ा सा फ्रॉस्टेड सा कलर है। और आप जब इसे अप्लाई करते हो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और इसे अब्सॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपको काफी अच्छे से इसे ब्लेंड करना होगा और थोड़ा सा आपकी स्किन में सिंक इन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। बट लेकिन जब एक बार स्किन में ये सिंक इन हो जाता है तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट सी, बहुत ही सफल फील करती है। और बात करें अगर टैकीनेस की तो गाइज हाफ एन आवर तक आपको अपनी स्किन में थोड़ी सी टैकीनेस फील होगी। आप जब अपने फेस को टच करेंगे तो आपको हल्का हल्का चिपचिपापन फील होगा जो कि मुझे पर्टिकुलरली पसंद नहीं आया है। ऑल्सो गाइज अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो अगर आपने मामा अर्थ का ग्लो फेस मॉइस्चराइजर यूज किया है जो जेल फेस मॉइस्चराइजर है, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसी ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही डिसेंट सी कामिंग सी फ्रेग्रेंस है। ऑल्सो गाइज अगर इसके 24 आवर्स हाइड्रेशन की बात की जाए तो 24 आवर्स तक ये आपको हाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं देता, ये क्लेम बिल्कुल गलत है। पहली बात तो आप 24 आवर्स तक किसी मॉइस्चराइजर को लगा के नहीं रखोगे, उससे पहले ही मैक्स आप 12 टू 14 आवर्स के बाद अपने फेस को वॉश कर दोगे। गाइज मैंने इसे लगाने के बाद चेक किया है कि कितने टाइम तक ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, तो मैक्स 7 आवर्स से ज्यादा ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रखता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या सुपर ऑयली है तो आई थिंक आप इसे एक ट्राई दे सकते हो, आपको शायद ये पसंद आ सकता है। बट अगर आपकी स्किन थोड़ी कॉम्बिनेशन साइड पर है या ड्राई साइड पर या सुपर ड्राई साइड पर है तो ये मॉइस्चराइजर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जितना ये क्लेम कर रहे हैं उतने टाइम तक ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रखता है, मैक्स 7 आवर्स के बाद आपको फिर से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ गाइस एक और चीज जो मैंने इसके अंदर नोटिस की है वो ये है कि आप अगर आपकी आईज थोड़ी सेंसिटिव साइड पर है तो प्लीज आप इसे अपनी आईज के नजदीक अप्लाई ना करें, क्योंकि मैंने इसे गलती से अपने आईज के नजदीक अप्लाई कर लिया था तो बहुत बुरी तरीके से मेरी आईज बर्न हुई थी। तो अवॉइड कीजिएगा कि आप इसे जब भी अप्लाई करें तो अपनी आईज के नजदीक अप्लाई ना करें। सो गाइज अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए कि क्या मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ या नहीं, अगर आपकी स्किन ऑयली या सुपर ऑयली है तो आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है ड्राई है या सुपर ड्राई है तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये आपको इतने लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड नहीं रखती, जो वो क्लेम करती है उतना वो हाइड्रेशन नहीं देती है। सो इसके अलावा भी सेम इसी रेंज में या इससे कम में मार्केट में आपको बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर मिल जाएंगे, इसलिए आप इसे स्किप कर सकते हो।
सो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। सो जाने से पहले प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।